ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is محمد شاہ سلیم, आपके एजुकेशन का टीचर, और आप सबको एजुकेशन की क्लास में वेलकम करता हूँ. रब्बी शराली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलूल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीमी खिदमत. मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान गौर से गौर तक इल्म हासिल करो पर अमल करते हुए तालीम के मैदान में बेशुमार कारनामा सर अंजाम दिए. तारीख इंसानी मुसलमानों के अजीम इल्मी और अदबी कारनामों से भरी पड़ी है. तालीम की तारीख का जायजा लेते हुए कोई भी इंसान मुसलमानों के अहले इल्म और उनके फ़न और पेशावराना खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता. तो आपके सिलेबस में चार मुस्लिम मुफक्किरीन को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, दूसरे नंबर पे इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह हैं, तीसरे नंबर पे इब्ने सीना और चौथे नंबर पे इलामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह हैं. तो आज हम लोग इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी तालीमी फ़िक्र क्या थी और तालीम में उन्होंने क्या क्या थ्योरीज पेश की हैं. हम अपने आज के पहले मुफक्किर तालीम के तारफ की तरफ बढ़ते हैं. तो इनको उर्फ़ आम अल गज़ाली और इनका पूरा नाम इमाम मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह था. आप 1058 ईस्वी में पैदा हुए और 1111 ईस्वी में आपकी वफ़ात है. आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद थे. मुफक्किर तालीम की हैसियत से अहले मगरबी इनका लोहा मानते हैं. और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की अक्सर किताबों का तर्जमा यूरोपियन ज़बानों में हो चुका है और 16वीं सदी तक ये यूरोप के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती रही. इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की मशहूर किताब में एक किताब है कीमियाए सआदत और इनकी दूसरी मशहूर किताब है अहयाउल उलूम. अब मदरसा निज़ामिया बगदाद के सदर थे. निज़ामिया बगदाद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी. यह अदारा इस ज़माने में बैन अल-अक़वामी अहमियत का हमल था. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो भी मुस्लिम मुफक्किरीन हैं उनकी सिर्फ उन बातों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि तालीम से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, तरीक़ तदरीस से, एग्जामिनेशन से, यानी कि तालीम के जो नासर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, तो उनसे रिलेटेड जो इनकी बातें और इनकी फ़िक्र हैं हम उसी पर स्टडी करेंगे. तो इसको मैंने 5 सब ग्रुप्स में तकसीम किया है. किसी भी मुफक्किर की जब हम बात करेंगे तो हम उसको 5 सब हेडिंग में तकसीम कर लेंगे. उस मुफक्किर के तारफ के अलावा सबसे पहले तो छोटा सा आपने जो है वो इंट्रोडक्शन देना है मुफक्किर के बारे में. जैसे इमाम गज़ाली के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आप इब्ने खल्दून का देंगे तारफ तो उसमें उनका पूरा नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ, इसी तरह से बेसिकली वो जहाँ पैदा हुए उनके इलाके का नाम लिख सकते हैं, उनकी एक या दो मशहूर तसानीफ़ के नाम, अगर वो किसी मशहूर अदारे में या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं तो उनका नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम. तो इस तरह से सबसे पहले हम उस मुफक्किर का 3-4 लाइनों का एक छोटा सा तारफ बयान करेंगे. उसके बाद तालीमी फ़िक्र के बारे में 5 सब हेडिंग्स हम इनकी देंगे. उसमें सबसे पहली हेडिंग होगी तालीमी तसव्वुरात. जब इमाम गज़ाली की बात कर रहे होंगे तो इसमें इमाम गज़ाली के तालीमी तसव्वुरात बयान करेंगे. जब अलामा इब्ने खल्दून की बात कर रहे होंगे तो उनके तालीमी तसव्वुरात यहाँ पे हम तहरीर करेंगे. इसी तरह से दूसरी हेडिंग आप लोग दोगे मकासद तालीम, तीसरी हेडिंग निसाब तालीम, चौथी हेडिंग तरीक़ा तदरीस और 5वीं हेडिंग उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक, यानी कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. तो हम कह सकते हैं कि ये 5 हेडिंग आपने हर मुफक्किर की जब भी बात करेंगे तो देनी है. हेडिंग के बाद हमने उसी मुफक्किर से रिलेटेड की गई बातों को ही तहरीर करना है.
तो आज हम इमाम गजाली की तालीमी तसव्वुरात पर रोशनी डालते हैं। डियर स्टूडेंट, हम कल इंशाअल्लाह ताला इमाम गजाली के तालीमी तसव्वुरात पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे लेक्चर भी सुन रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।